We're bringing you updates about what's happening as far as women's safety is concerned across the nation, and yet another disgusting incident is coming to light, and this is from Agra. Harassment horror that has now come to the fore. A girl on a scooty was chased by bikers. Catcalls, hooting, crass comments, these are what she was subjected to. These are visuals on your screens right now of what's happened with the girl. So clearly you see there the men on the bike trying to cause harm her scooty as well. And these, of course, are people who talk about women's safety and also join the protest. While this is exactly what happens on the streets, these are visuals coming in from Agra. Two people have been arrested for harassing the girl. Manish joins us on the broadcast to get us more details on this. Manish, देश भर में काफी आक्रोश है वुमेन सेफ्टी को लेके, और आगरा में एक और ऐसा इंसिडेंट सामने आता हुआ, जानकारी दीजिए हुआ क्या आखिर यहाँ पे? मनीष जी, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो जानकारी दीजिए, इस यहाँ पे हुआ क्या? आगरा से ये इंसिडेंट आ रहा है सामने, वीडियो भी सामने आई है, एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पे? बुधवार की रात की घटना है। यमुना किनारे रोड पर स्कूटी सवार युवती का पीछा बाइक पे सवार पांच लोगों ने किया। ये शौहदे थे, बुलेट पे सवार थे। ताजगंज से बेलमगंज तक युवती को स्कूटी से गिराकर साथ ले जाने की कोशिश भी इन लोगों द्वारा की गई। हालांकि वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस की तत्परता से और उसके प्रयास से जो ये हादसा होने से बड़ा हादसा जो हो सकता था, बड़ी घटना जो घट सकती रही, वो रुक गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने गाड़ी लगाकर युवती को बचाया। हालांकि आरोपी थे वो चकमा देकर उस वक्त फरार हो गए। सिपाही जो राजीव कुमार है ट्रैफिक पुलिस में, वो सोशल मीडिया सेल में कार्यरत है, उसकी सूझबूझ से उस युवती को बचाया जा सका। थाना छत्ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में गुदड़ी के मंसूर खां, यूसुफ और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।